अबीर, अबीर बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कोशिश की थी। मैंने बचपन में जब बाड़ी, मेरा मतलब है अनाथ आश्रम में कोई लाया था, लेकिन नहीं हो पाया। और तुमने हार मान ली? क्या हूं? जी, सीन के बारे में अभी अबीर का कुछ इमेजिनेशन थी। अबीर को मैं दिखती हूँ, वो सार्थक के साथ रूम में होते हैं अपने, और यही उन्हें एकदम से ख्याल आ जाता है नीरजा का, और वो खुद को समझा रहे होते हैं कि नहीं, मैं नीरजा को अब भूल चुका हूँ, भुला चुका हूँ, भूल जाऊँगा और आगे बढ़ूँगा। बट वैसे ही उन्हें नीरजा दिख जाती है सामने, जो कि उनसे पूछती हैं कि क्या आप सच में मुझे भूल गए हैं, ऐसा तो नहीं कि अभी भी आप मुझसे प्यार करते हैं। मतलब उन्हें वो नीरजा दिखाई दे रही है, तो वो उससे ओवरकम करने के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपना पंच मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें नीरजा दिख ही जा रही है। तो अभी ये हम सीन कर रहे थे। बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, क्योंकि अभी अबीर और नीरजा की लाइफ अब काफ़ी डिफरेंट हो गई है। इन्होंने तय कर लिया है, नीरजा ने भी तय कर लिया है कि ठीक है, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते जैसी मैं हूँ, जो बल्कि मैं गलत भी नहीं हूँ, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से अभी इन्हें लग रहा है कि इन्हें अपने अपना रास्ता निकल चले जाना चाहिए अपने अपने रास्ते पर। बट यस, जो डेस्टिनी है वो शायद उसने कुछ और तय किया हो, या क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं बाकी क्या होगा। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.